अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हैं। अच्छा जी, आज हम जिस ट्यूटोरियल की बात कर रहे हैं वो है बेसिकली गूगल एनालिटिक्स। अगर आपकी कोई वेबसाइट वर्डप्रेस की वेबसाइट है तो आप उसके साथ अपने गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट उसके साथ अटैच करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने वर्डप्रेस वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट जिसके साथ अपना अटैच करना चाहते हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट है मेरी, तो मैं उसको अटैच करके दिखाऊंगा अपना गूगल एनालिटिक अकाउंट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट ओपन कर लेनी है। ये मेरी वेबसाइट है लर्न विद स्माइल, तो ये मैंने अपना एडमिन पैनल इसका ओपन कर लिया है। तो इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके जो लेफ्ट पे है डैशबोर्ड, यहाँ पे आ रहा है होम अपडेट मीडिया वगैरह, ठीक है, तो आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपने प्लगइन पे जाना है, ठीक है, और ऐड न्यू प्लगइन करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है मॉन्स्टर, यहाँ पे मॉन्स्टर इनसाइट्स के नाम से एक प्लगइन है। ये बड़ा लाइट वेट बड़ा अच्छा प्लगइन है। इसकी तकरीबन 2 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। तो आपने ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करें, ये कुछ टाइम लेगा जी। अब ये इंस्टॉल हो गया है। अब सिंपल आपने एक्टिवेट इसको कर लेना है। एक्टिवेट बटन पे क्लिक करें, एक्टिवेट हो जाएगा जी। अब ये एक्टिवेट हो गया है तो हमें इसने लॉन्च विजिट पेज पे क्लिक करना है। आपने ये लॉन्च द विजिट इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जी यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आपने बेसिकली सिलेक्ट करना है कि आपकी वेबसाइट किस तरह की है, कि आप अपनी बिजनेस वेबसाइट के साथ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट को एक्टिव करना चाहते हैं, या कोई आपका ब्लॉग है, पब्लिशर वेबसाइट जैसे वर्डप्रेस की नॉर्मली ये ब्लॉग में कंसिडर होती है, या आपका कोई ई कॉमर्स स्टोर है। तो जो आपकी कैटेगरी बेस्ट आपको लगती है कि ये मेरी वेबसाइट की ये कैटेगरी है, तो मेरे केस में तो ये पब्लिशर वेबसाइट है, ब्लॉग है मेरा, तो ये मैं अपनी पब्लिशर वेबसाइट को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से आपने पब्लिशर वेबसाइट पे ब्लॉग पे क्लिक कर लेना और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगा कनेक्ट मॉन्स्टर इनसाइट, ठीक है, ये आपसे ऑथेंटिकेशन मांगेगा कि आप अपने उस अकाउंट की ऑथेंटिकेशन दें हमें। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको ना एक अकाउंट बनाना पड़ता है गूगल एनालिटिक्स पे जाके, ठीक है। तो इसी वीडियो के अंदर मैं उसी का तरीका भी मैंने बताया हुआ है कि कैसे। यहाँ पे मैं अपना ये अकाउंट मोहम्मद इस्माइल के अकाउंट पर जो है जीमेल है, इस पे अपना अकाउंट बना के दिखाऊंगा आपको किस तरह बनाना है अपने, और फिर किस तरह इसको अपने इसके साथ ऐड करना है। आपने सर्च कर लेना है गूगल एनालिटिक्स। ये सबसे पहली जो वेबसाइट है गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे आप। और यहाँ पे आपने सेटअप फॉर फ्री पे बटन पे क्लिक कर देना है जी। यहाँ पे आपने नाम देना है, आप अपनी वेबसाइट का नाम दे लें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो आपको इजीली याद रहे। तो उसको याद रखने के लिए ये मेरी वेबसाइट है लर्न विद स्माइल, तो मैंने इसका नाम दे लेता हूँ, या वेब कह लें या सिंपल लर्न विद स्माइल कह लें। ये आपने चेक कर लेने हैं, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अगर आपको इसकी कोई ईमेल्स वगैरह चाहिए गूगल प्रोडक्ट सर्विसेज की, तो आप इसको एक्टिव कर लें, क्लिक कर दें इसके ऊपर, अदरवाइज आप इसको नेक्स्ट कर दें जी। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि आप किसके लिए ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम अपने मोबाइल ऐप्स के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप iOS डेवलपर हैं या एंड्रॉयड डेवलपर हैं तो अपने अपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। क्योंकि मैं वेब के लिए बना रहा हूँ तो मैंने वेब की कैटेगरी सेलेक्ट की। अपनी वेबसाइट का नाम दें यहाँ पे,
उसके बाद आपने यूआरएल प्रोवाइड करना है। यूआरएल प्रोवाइड के लिए आपको देखना है कि आपका जो HTTPS है या HTTP है। HTTPS हमें पता है कि सिक्योर होता है, जिसमें SSL एक्टिव जो सर्विस होती है वो एक्टिव होती है। तो मेरा मेरे केस में HTTPS है, आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपने सिंपल पेस्ट कर देना है इसको। इसको पेस्ट करने से पहले ना आपने ये HTTPS वाला जो पोर्शन है ना वो रिमूव कर देना है। ये आपने रिमूव कर देना है क्योंकि हमें ऑलरेडी HTTPS आ चुका है, तो ये फॉरवर्ड स्लैश भी रिमूव कर दें। अब आपने आगे से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। इसमें मेरे केस में तो एजुकेशन है। अगर आप ई कॉमर्स की वेबसाइट बना रहे हैं तो आपने ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लेना है, या जिस तरह की आपकी वेबसाइट है आपने वो कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। टाइम में आप यूनाइटेड स्टेट कर लें, पाकिस्तान कर लें, पाकिस्तान कर लें, चलिए। यहाँ पे आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। इसको यूनाइटेड स्टेट ही रहने दें हमेशा। इसको आपने एक्सेप्ट करके और आई एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन पे ले जाएगा। जी वही आ गया कि आपने इसकी ईमेल कम्युनिकेशन चेक कर दें, कोई नई फीचर वगैरह आता है तो आपको अपडेट मिलती रहेगी इसकी। ओके सेव नेक्स्ट। अब जी आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या आप अपने मोबाइल ऐप यूज़ करना चाहेंगे इसके लिए। iOS पे भी इसकी ऐप है, एंड्रॉयड पे भी है, या आप कह दें कि नो थैंक्स, आप डायरेक्ट बाद में इसको अपलोड यानी कि डाउनलोड करके इसको भी अटैच कर सकते हैं, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस वक्त मैंने नो थैंक्स कर दिया है। अब जो आपको जी आपकी ट्रैकिंग आईडी मिल गई है, आपने ये ट्रैकिंग आईडी अपनी वेबसाइट पे यूज़ करनी होती है। ये देखें, अब जब हम वापस आएँ अपने मॉन्सून साइट पे, जैसे हमने कनेक्ट पे क्लिक करना है, अब ये हमारा अकाउंट वो मांगेगा कि किस पे आपने अपना बनाया हुआ है एनालिटिक्स का अकाउंट। तो हम ये अकाउंट देंगे कि हमने इस ईमेल पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप इस ईमेल पे क्लिक कर दें, तो इसको अलाउ कर दें कि आप ये मॉन्सून साइट यूज़ कर सकता है आपका अकाउंट फॉर डेटा सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, आपने अलाउ कर देना इसको। इसके बाद जी कंप्लीट कनेक्शन पे आपने, ये आपका जी बता रहा है जी ऑल वेब डेटा, ओके जी कंप्लीट कनेक्शन पे बटन पे क्लिक कर दें आप। फाइनलाइजिंग एंड ऑथेंटिकेटिंग जी, अब आपने आपके वर्डप्रेस के एडमिन साइट पे ले आया, इसको लॉगिन कर लें जी। अब आपका ये हो चुका है। तो इवेंट ट्रैकिंग अगर आपने इसको इनेबल करना है तो कर दें, इनेबल ही ऑलरेडी तकरीबन। तो इसमें रिकमेंडेड सेटिंग है इसकी कुछ, इसको ऐसे ही जाने दें बेशक आप। ये बता रहा है कि कौन कौन आप एडमिनिस्ट्रेटर चेक कर सकता है जी, एडिटर चेक कर सकता है, इंस्टॉल ऑटोमेटिक कर दें ताकि कोई अगर अपडेट हो तो इंस्टॉल हो जाए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दें। फिनिश सेटअप एंड एग्जिट विजिट। लें जी, अब आपका आपके वर्डप्रेस पे ये ना एक्टिव हो गया। तो ये 24 आवर्स के अंदर ये आपकी रिपोर्ट्स यहाँ आपको मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब आप व्यू बटन पे क्लिक करेंगे या इनसाइट में जाके व्यू बटन पे क्लिक करेंगे, तो अभी क्योंकि हमारे पास अभी मैंने इसको अटैच किया है, कनेक्ट किया है, तो अभी इसमें डेटा नहीं आ रहा होगा। तो 24 आवर के बाद आपको ये टोटल नंबर ऑफ सेशंस, व्यू रिपोर्ट्स वगैरह सब आपको शो करवाना स्टार्ट कर देगा एवरेज सेशन। कि कौन कौन सी कंट्री से आपकी वेबसाइट को, कौन कौन से टॉप रेफरल्स हैं, जहाँ जहाँ से आ रहा है, जितनी भी आपकी सर्च क्यूरीज हैं सारी यहाँ पे शो होंगी, कौन सा आपका वर्ड रैंक कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच जी, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। थैंक यू वेरी मच।